नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की रेसिपी में ब्रेड कटलेट बनाने जा रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को अपना प्यार दें। सबसे पहले हम 10-11 आलू लेकर उसको अच्छे से धो लेंगे, फिर उसको कुकर में डाल के 2 से 3 सीटी लगा लेंगे। अब आलू उबल गया है, आलू उबलने के बाद उसको छील लेंगे, फिर उसको एक बर्तन में रख के उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसमें हम 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच अजवाइन और बारीक कटा हुआ धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्च 2 से 3 उसमें हम आलू में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम ब्रेड ले लिए हैं, उसके साइड वाले पार्ट को हम निकाल लेंगे और बीच वाले पार्ट को हम एक प्लेट में पानी में डाल के उसको अच्छे से भिगो लेंगे। फिर हथेली से पानी सारा दबा कर निकाल लेंगे और जो हमने आलू का जो वो स्टफिंग्स तैयार किए उसमें हम रख कर उसको कटलेट के शेप में। फिर अब हम कढ़ाई गैस पे चढ़ा के उसमें हम रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। जब रिफाइंड ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें जो भी हम कटलेट बनाए हैं सब उसको डाल के अच्छा से फ्राई कर लेंगे हम। और कटलेट डालने के बाद बीच में उसको पलटते भी रहेंगे। अब हमारा कटलेट फ्राई हो गया है। कटलेट फ्राई होने के बाद हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। फाइनली अब हमारी यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी ब्रेड के कटलेट रेडी हो गए हैं। आप भी इस रेसिपी को अपने घर में बनाकर देखें और ऐसी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।